أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. चार पैगंबरों का और उनसे जुड़े ईमान से मरबूत तफसीलात वाक़ियात का उसके ज़िमन में इस उम्मत के लिए ईमान के हकायक़ को समझना, अल्लाह ताला ने सारी मखलूक़ात में इंसान को क्यों किस लिए पैदा किया गया है और उसे इस दुनिया का हिस्सा बनाया गया, दुनिया उसके हवाले की गई, दुनिया की हर किस्म की मनफ़त इंसान के साथ जोड़ दी गई, लेकिन इंसान अपनी हकीकत और तरीक़े को न समझकर इन सारी की सारी चीज़ों से महरूमी इख्तियार करता है, जो अज़ाब की शक्ल में हो सकती है, मुसीबतों की शक्ल में होती है, परेशानियों की शक्ल में हो सकती है, वो नमूने पेश किए हुए हैं। उसी सिलसिले की एक कड़ी ये चंद नमूने पेश किए हुए, जिसको आप कहेंगे चंद वाक़ियात अंबिया किराम अलैहिस्सलाम कहें या वाक़ियात चंद वाक़ियात जो इस उम्मत से पहले या इस ज़माने के इंसानों से पहले, अब ये ज़माने का शुमार होगा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से लेकर दुनिया के ख़त्म होने तक एक ज़माना, जिनके लिए तरीक़े ज़िंदगी एक, हर चीज़ का ढंग सलीका एक, उस सलीके के ऊपर कायम रहना, ये तमाम ढंग तौर तरीक़े सलीके जिसकी हिदायत दी जा रही है, इस्लाह वाला पहलू की तरफ ताकीद की जा रही है, सब ये सारी की सारी चीज़ें मुश्तरक रही हैं इंसानियत में, इंसानों में, चाहे इस ज़माने के हो कि पिछले ज़माने के। तो सिलसिले की कड़ी आज के इन आयतों से शुरू हो रही है, पैगंबर शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम से। और एक बात याद रखना है, अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहुत बड़ी तादाद है, सबों का तस्करा किया नहीं गया, लेकिन सभी अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक ही मकसद के लिए भेजे गए थे, अक़ीदे तौहीद के ऊपर पुख्तगी के साथ कायम रहना, अक़ीदे तौहीद के ऊपर पुख्तगी के साथ कायम रहने के तौर तरीक़े जिसका नाम शरीयत तरीक़े ज़िंदगी, जिनमें से सिर्फ़ और सिर्फ चंद नमूने जो सिर्फ गिनतियों के जो उंगलियों के ऊपर गिनती हो सकती है, जबकि वो तादाद में 1,00,000 से ज़्यादा होने की तफसीलात मिलती हैं। बमुश्किल 20-25 अंबिया किराम अलैहिस्सलाम का तस्किरा, फिर हिकमत भी बता दिया अल्लाह ने, मिनहुम मन खससना अलैक व मिनहुम मन लम नखसुस अलैक, चने का जिक्र किए हैं, बकिया तमाम का जिक्र हमने इसमें नहीं किया। पिछली तारीख याद दिलाना नहीं है, याद दिलाना बताना मकसद ये है कि जिस ज़माने से इंसान को वजूद बख्शा गया है, उस वक़्त से इंसान को इसी मकसद के लिए पैदा किया गया है, इसी मकसद पर बाकी रखने के लिए, इस मकसद के ख़िलाफ़ करने पर उसके सुधार के लिए हम अम्बिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजते रहे, जो सुधरे
अल्लाह ने उन्हें एजाज़ व इकराम से नवाजा, दुनिया में उनको बायस खैर व बरकत करार दिया। और जब अमूमी अजाब भी आया तो अल्लाह ने अजाब वाले हदूद से, उस एरिए से उनको हटाया, निकाला और दूसरों को हलाक व बर्बाद किया कि तुम मेरे नेमतों से अब मज़ीद इस्तेफादा करने के लायक नहीं हैं। जब लायक नहीं हैं तो कुरान की वो आयत जो सूरह आराफ में है उस जैसा मफ़हूम दूसरी जगह भी है, अच्छी तरह समझ में आ जाएगी बात। قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق خالصة يوم القيامة یہ رزق والی چیزیں جس کی بنیاد پر انسان جی رہا ہے اس کے جینے کے لیے فراہم کی جا رہی ہیں، سارے نظام کو اس کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ ये रिस्क हलाल पाक और तैयब है, इसके अंदर गलत तरीके गलत ढंग सलीके से इसको खराब मत करो, इसको हराम मत करो। तफसीलात बहुत बड़ी हैं मुख्तसर लफ्ज में, इसको हलाल और हराम अच्छा और बुरा कहते हैं। बुरा तरीका अपना कर तो उसको हराम क्यों करती हो? मन हर रमा जीनत अल्लाह। और ये निज़ाम को बाकी रखने की वजह भी अल्लाह ने बताया, अखरज अली इबादी अपने बंदों के वास्ते। बंदों के खातिर इस निज़ाम को बाकी रखे हैं, हर आम इंसान के लिए नहीं, हर आम इंसान के लिए नहीं, बंदों के लिए। जहाँ अल्लाह ताला खास बंदे फरमाते हैं तो वो बंदगी के साथ जुड़े हुए बंदे मुराद हैं। जब ये कुछ बंदे हैं इनके तुफैल में तमाम इंसानों को भी अता करते हैं, खालिसतन यौमल क़ियामत। ये दुनिया में नेक साले बंदों के तुफैल में अल्लाह ताला बिना किसी इम्तियाज के नाफरमान सारे के सारे बंदों को लिए भी दुनिया बाकी रखते हैं, वो सारे ज़रूरियात उसको बाकी रखते हैं। तो सादी सीधी बात, अल्लाह के नेक बंदों के तुफैल में गैर मोमिन बंदों के ऊपर दुनिया का हिस्सा मिल रहा है, जो तुफैल में जो मिल रहा है तो असल से ज़्यादा मिल रहा है। दुनिया में आगे बढ़ते हुए फिर उसकी भी एक हिकमत बता दी, ये नालायक है कमबख्त है, आर्जी फायदे के साथ जुड़े हुए हैं, हमेशा हमेशा वाली हयात की फिक्र नहीं कर रहे, तो लिहाजा वहाँ के हिस्से से महरूम होना चाहते हैं, महरूमी के तौर तरीक़े में और आगे बढ़ना चाहते हैं, वो सब लेके क्या करने वाले हैं? उसी पैसे की बुनियाद पर शराबखोरी, कत्ल गारतगिरी, हुकूक तलफी, जुल्म ज़्यादती, शराब जिनाकारी, हर किस्म की चीज़ें, कौन जो पैसे से जुड़ा हुआ है उस पैसे में गलत तरीक़े के। दूसरा एक तरीका, किसके पास हलाल पैसा है हराम पैसा है, किसकी कमाई अच्छी है या बुरी है, पैमाना दे दिया इस्लाम ने, अल्लाह ने एक अकल और फिक्र भी दी इंसान। लेकिन आप जानना चाहते हैं, उसका पीछा करने की जरूरत है। करना क्या है, वो उस पैसे को कैसे खर्च करता है, तरीके खर्च के ऊपर नजर रखो। द
इसे इसराफ करता है, भेजा करता है फलामे फलामे फलामे, तो समझ जाओ कि उसकी कमाई हराम है। ये पुरानी आयत का तर्जुमा नहीं, हदीस का मतलब नहीं, सहाबा किराम से, ताबईन से, तरीके जिंदगी में, किताबों में, ये अमली तौर पर तजुर्बे में इसको लिखा गया। मेहनत और जद्दोजहद के साथ आने वाले पैसे को यूं ही बर्बाद नहीं करेगा। हर चीज में पूरी तरह सोच समझ कर फिक्र के साथ खर्च करेगा। उस तरीके के साथ देख लो, इसकी कमाई हलाल, इसकी कमाई हराम, वो एक तफसीलात अलग है। तो अल्लाह ताला ने इसमें फरमाया कि खालिसतन यौमुल क़यामा, क़यामत के दिन ये रिस्क और नेमतों वाली चीज़ें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए, यानी जिनके गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, जो रब को जानकर खशियत इलाही में उस अकीदे ईमान की बुनियाद के ऊपर चलने और बाकी रहने की जो ज़िंदगी दी गई है, जिसको शरीयत कहते हैं, जिसकी मश्क तालीम और तरबियत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ने करवाई, आपके ज़रिए से उम्मत की करवाई, फिर उस उम्मत के ज़रिए से उन्हें ताकीद कर दी गई, तुम्हारा उम्मती होना उसी वक्त है तामुरूना बिलमारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम नेक बनना, नेक बनकर नमूना बनना, नेकी की तालीम देना, बुरे अमल से नफरत करना, बुराई से रोकना। उसी सिलसिले की कड़ी है दीन इस्लाम, जो असलाब से पहुंचता आज तक मौजूद है, वही तालीम और तरबियत देना है, उसके कई नमूने पेश किए गए। अब आज की इस आयत में, बल्कि आज की इस आयत से कई आयतों पर मुश्तमिल है, शुआइब अलैहिस्सलाम उनके कौम का, तो एक बात बताने जा रहा था, अम्बिया किराम अलैहिस्सलाम की इतनी बड़ी तादाद में दो किस्म के नबी, नफ्से नबूवत में सब एक, लेकिन कसरत, बल्कि सबसे बड़ी तादाद अम्बिया किराम अलैहिस्सलाम के, वो सिर्फ नबी हैं, नबी और रसूल हैं, हुक्मरान नहीं है, हुकूमत नहीं फरमाई है। तो क्या किया? नसीहत कर, बुराई देखिए बुराई कर, या सादे सीधे अल्फाज में और समझे, बस तख़लीर करना, वास करना, बयान करना, नसीहत ना करना। ये नाफरमानी पकड़ कर सजा जारी करवाना उनका काम है। के ज़माने में जो हाकिम रहेगा उसके हुक्मरानी को भी इस्लाह करना, वो कानून को चलाने वाला हुक्मरान रहेगा, पैगंबर नहीं। दूसरी कसम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की है, सालत नबूवत भी रही, हुकूमत भी रही, हुक्मरानी भी रही, कानून भी नाफिस करना, कानून बनाना, कानून बताना, कानून बयान करना एक अलग चीज़ है, कानून को जारी करना एक अलग चीज़ है। इस्लाम का ये हुक्म है, शरीयत का तरीक़ा है, जानी की ये सज़ा है, चोर की ये सज़ा है, फना फना सबको मालूम है। आपके दरमियान में एक चोर मिल गया, अरे चोर का तो हाथ काटना है, चलो पकड़ो काटेंगे, आप नहीं काट सकते, आप काटेंगे तो फिर आप काटेंगे, अरे जानी है सब मिलके इसको रजम कर दो, संसार का तो मार डालो, उसको मार देंगे तो आपको भी मरना पड़ेगा,
अपहरणचारी चढ़ाने वाले कौन है? कानून को कानून चलाने वाला चलाएगा। दुनिया के कानून के अंदर देखो, ट्रैफिक में रॉन्ग साइड गए तो जुर्माना होता, चार आदमी उन्हें देख लिया, चलो ये रॉन्ग साइड जा रहा, पकड़ के आप जुर्माना वसूल करो, कर सकते हैं आप। कानून चलाने वाला अलग रहेगा, कानून से वक्फियत हरे पहुंचेगी, कानून से वक्फियत हरे पुरेगी। उसी सिलसिले की कड़ी जिनको हुक्मरानी नहीं थी, उसी सिलसिले की कड़ी के ये पैगंबर भी हैं, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम। इसी किस्म की कड़ी से ताल्लुक था पैगंबर लूत अलैहिस्सलाम का भी। अगर वो हुक्मरान रहते तो सारी कौम को कानून नाफिस करते थे। कल की आयतों की तफसीलात में उन्होंने इस एतबार से अपनी बेबसी का जिक्र फरमाया, काश कोई ताकत होती, कोई कुव्वत होती, कोई इस किस्म का ये होता तो आज ये शर पसंदाना जहन को दूर करने का या उनको सजा देने का जो हो सकता था मैं दे सकता था। आखिर में फरिश्तों ने समझाया, नहीं असल इलाह का, आप घबराने की जरूरत नहीं, दरअसल हम फरिश्ते हैं, ये सब अब अमल करेंगे, अब आप अपनी जान बचाते हुए यहाँ से निकल जाइए, ऐसा हुक्म अल्लाह ताला का है, आप पर अज़ाब नहीं आएगा, ईमान वालों पर नहीं आएगा। तो सिर्फ नबी थे, नबूवत थी, नबूवत बताना काम था, कानून चलाना काम नहीं था, कानून बताना काम था। अच्छा क्या है, बुरा क्या है बताना काम था, बुरा करने वाले को सजा की सिफारिश की जा सकती थी, सजा देना काम नहीं था। और जिनको नबूवत और रिसालत के साथ साथ हुक्मरानी कानून का निफास था, जिन अम्बिया का तस्करा उनमें से पैगंबर दाऊद अलैहिस्सलाम से तफसील मिलती है, उसके बाद भी पूरे पैगंबरों में नहीं, दाऊद अलैहिस्सलाम पैगंबर भी हुक्मरान भी। आपके फर्जंद सुलेमान अलैहिस्सलाम रिवायत के मुताबिक दाऊद अलैहिस्सलाम के कोई 22 बेटे, जिनमें से 22वां नंबर जिनका है सुलेमान अलैहिस्सलाम का, उनके अंदर नबूवत आई, हुकूमत आई, जिसकी तफसीलात कुरान में। तो शुएब अलैहिस्सलाम भी सिर्फ नबी हैं, नबूवत का पैगाम, हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मरान भी हैं, रिसालत और नबूवत भी। अब आगे बात बढ़ते हैं, मदियन मकाम का नाम है, लेकिन ये असल मदियन नाम है पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के फरजंद का। पैगंबर, यहाँ का रुक के बात बता रहा हूँ, इसीलिए तेजी से गए बगैर, मदियन नाम है पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे का। पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 8 फर्जंद हजरत सारा से एक ही पैगंबर इसहाक अलैहिस्सलाम, हजरत हाजिर अलैहिस्सलाम से एक ही हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। जब अल्लाह ताला ने बाप बनने की ताकत और सलाहियत दुनियावी
फितरी असबाब से ख़त्म होने के बाद जब आपकी तबीयत में सारी चीज़ें फितरी असबाब के साथ नहीं कुदरत के नमूने के साथ कादर मुतलक ने जब उनमें रिटर्न किया पलटा दिया तो फिर वो कैफियत रही, उस एतबार से ज़िंदगी गुजारी, उसके बाद भी आपने शादी फरमाई। अते सारा हाजिर के बाद फिर उनसे 6 फर्जंद हुए। अब इसी बात को सूरह बकरा में पलट जाइए, पूरा कुरान सूरह बकरा की वजाहत और तफसील हो, उससे हटकर कुछ भी नहीं। दीन इस्लाम उसकी हकीकत सारी चीज़ों की इजमान बग़ैर तफसील की पूरा सूरह बकरा में, सूरह बकरा की ही तफसील कहिए, तफसील कहिए, तशरीह कीजिए, वह हकायक कैसे हैं सारा कलाम पाक, उसके बावजूद भी पूरी हकीकत साफ नहीं होती। तो पैगंबर अलैहिस्सलाम सुन्नत रसूल सूरह बकरा में फरमाया पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मकबूलियत का ऐलान अल्लाह ताला ने जब फरमा दिया तो आपने दरख्वास्त फरमा दी, वमिन ज़ुर्रियती ऐ रब, मेरी नस्ल में भी ये नेकी नेक सिफत मेरी पूरी नस्ल के अंदर बाकी रख, इस जैसे काम के लिए, काम इमामत के लिए, ये नमाज पढ़ाने का इमामत ये नहीं, ये इमामत से जुड़ा हुआ है, इमामत और पेशवा, तेरे मंशे के मुताबिक, तेरे मंशे के मुताबिक, और ये रिसालत और नबूवत वाले काम से जुड़ा हुआ मामला मेरी ज़ुर्रियत में भी, मेरी औलाद में नहीं बोला, औलाद एक चीज़ है, ज़ुर्रियत अलग चीज़ है, औलाद जो मौजूद बच्चे हैं वहाँ तक ही महदूद है, नस्बत चलते रहती है। जब ज़ुर्रियत कहते हैं तो नस्ल, ज़ुर्रियत बोले तो नस्ल, मेरी जहाँ तक नस्ल आएगी ज़ुर्रियत में भी। अल्लाह ने फरमाया ला यनालु अहदी अज़्ज़ालिमीन, आपकी दुआ इस मतलब जैसा कि आपने दुआ कर दी है बग़ैर किसी कंडीशन के, बग़ैर किसी शर्त लगाए के मैं कबूल नहीं करता, कंडीशन के साथ शर्त के साथ कबूल करता हूँ, कंडीशन और शर्त के साथ कबूल करता हूँ। वो क्या है? आपकी नस्ल में नाफरमान गुनाहगार शिर्क जैसी इस तरह की खराबियाँ करने वाले जो जो अफराद रहेंगे, अगरचे कि आपकी नस्ल, वो नस्ल को और खुलासे में लीजिए, सादात, सही वो नस्ल, सादात, सादात, वो कितनी बड़ी जिम्मेदारी हो तो उसका ख्याल रखना है। तो आपकी ज़ुर्रियत में इस सिलसिले को जारी रखूँगा, तो पैगंबर बनते जाएंगे, पैगंबरी मिलते जाएंगे, पैगंबरी नबी मिले, पैगंबराना सिफात के हामिल रहेंगे, अपने अपने ज़माने में अपने अपने कौम के लिए नमूना बनेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ के हर पहलू में नमूना रहेंगे। जब माल से जुड़ेंगे माल के पुजारी नहीं बनेंगे, सखीउल क़ल्ब रहेंगे दीन के लिए, उस माल को दीन का हिस्सा बनाएंगे, अपना वजूद अपने 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 ज़माने में ईमान का नमूना बनकर पेश करेंगे, जिम्मेदारियों को निभाएंगे वगैरह वगैरह। ये एहसास मैं अदा करूँगा आपकी नस्ल में, मैंने बाकी रखूँगा। ये वजाहत इसलिए ज़रूरत है क्योंकि मदयन से जुड़ी हुई बात है, तो शुएब अलैहिस्सलाम भी जो पैगंबर हैं, पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ का ही हिस्सा हैं,
उसी दुआ के हिस्से में पैगंबर सैयदना नबीना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं। हज़रत इस्माइल के वास्ते से हज़रत इब्राहिम तक पहुँची के बाद माँ बाकी अम्बिया की जो कसरत है, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के वास्ते से इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक पहुँची के बाद फिर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम भी, ये मदियन के वास्ते से इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक बात पहुँचेगी, तो मिन ज़ुर्रियती नस्ले इब्राहिमी अलैहिस्सलाम। तो शुएब अलैहिस्सलाम पैगंबर शुएब अलैहिस्सलाम के बाद दो पीढ़ियाँ मिलती हैं, उसमें चौथे पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम मदियन बिन इब्राहिम। तो जो पैगंबर इस नस्ल में गुजरते गए और वो सब के सब सामने उन नस्ल से जुड़े, फिर आगे बढ़ने के बाद कुरान, चूंकि पहले अरबों को समझाना था बताना था, तो वह अरबी उन नस्ल से जुड़े हुए, सामी उन नस्ल से जुड़े हुए। जब से सामी उन नस्ल है अरबी ऐसा नहीं, तो लिहाजा ये बात वैला मदियना, इसलिए कि यहाँ कहीं भी वो वाक्य में भी अब इस वाक्य में भी हुक्मरानी नहीं चल रही। अल्लाह ताला के हुक्म को बता रहे थे, खामोश नहीं बैठे। माशरे में घूमना जाना चलना, लोगों के सामने ऐलान करना, जहां लोग जमाए फौरन कहना शुरू कर देना, अंजाम की परवाह फिक्र नहीं करना, तो इला मदियना खाम शाहिबा। तो इसी तरह हमने कौम मदियन की तरफ उसी कौम का एक फर्द पैगंबर लूत अलैहिस्सलाम उस कौम के फर्द नहीं थे, ये बात वजात से सर गुजर गई। उसी कौम का एक फर्द जिनके बचपन से आखिर तक सारी कौम के सामने उनकी तर्ज ज़िंदगी, उनके तर्ज फिक्र सब कुछ सामने मौजूद है, तो वह रसूल अमीन है, सबके पास इकरार है। जब अल्लाह ताला ने ये अमानत यानी शराफत दीनदारी वाली पहलू अब कौम के अंदर बताने के लिए वही से तेरे नबी मुकर्रर फरमा कर पाबंद फरमा दिया, तो अब आगे बढ़े तो अब कौम टकराने दे। अब तक जो इज्जत करती थी, एहतमाम करती थी, बुरी नज़र से नज़र नहीं डालते थे, उन पर नज़र जमाने को अपने लिए नेकी समझते थे, बरकत समझते थे, खैर व बरकत का बाइस वो कदम रख दिए तो अपने लिए वो मकाम बरकत वाला हो गया, ये एजाज व इकराम दिया करते थे। कमों में सारे नबियों के साथ यही हाल था अपने कौम का नबूवत का ऐलान करने से पहले। फिर नबूवत से जुड़ा हुआ पैगाम बयान करने के बाद अब लगे मुखालिफत में, ऐसा कहते ऐसा कर देते थे, शुरू हो गई बात। तो आपने फरमाया या कौमी उबुदुल्लाह, इनके वाक़े में जाना कुरान में है, एक चीज़ की वजाहत नहीं है। देखो तुम बुतों की पूजा मत करो, फुला फुना 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 करो, लेकिन इससे कुछ समझ में आता है सिर्फ तुम अल्लाह वहदहू ला शरीक की परस्तिश करो। अकीदे तौहीद से हटी हुई चीज़ें थी, ये भी बताया कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इसका मुस्ताक नहीं, कि परस्तिश के अंदर बात आ जाएगी, ज़िंदगी के हर पहलू में उसी के हुक्म को मानो,
तर्ज जिंदगी में उसी के इजाजत दिए हुए तरीके के साथ जुड़ो। तो खराबियां कितनी हो गई थी और खराबियों से जुड़ने वाले की दुनिया भी कितनी अच्छी दिखती है, ड्यूरेबल नहीं रहती, बाकी नहीं रहती, दिखती है, बाकी रहती तो हो भी सकता, एक नस्ल दो नस्ल तीन नस्ल तक भी चले, उसको ड्यूरेबल नहीं बनेंगे, देर पर रहने वाली नहीं बनी। तो ये क्या हरकत कर रही है कि तफसीर को सामने रखो, सारे ताजिरों को बिठाओ सामने, ताजिरा सुनना नहीं चाहेंगे, ये हटा के करके बोलो। कम अवेशर ताजिर बैंकिंग के निजाम से जुड़ा हुआ है, फलाफा से जुड़ा हुआ है, सूदी लानत के अंदर है, बीसों दिन के मसाले लेकर आकर आपसे पूछेगा, लेकिन वो जुड़ा हुआ है, उसको छोड़ना नहीं, उससे जुड़ा हुआ मसाला लेकर नहीं। दीन का मामला इंसान की जिंदगी के हर पहलू से कमो बेश हर खानदान इस दिवाली जिंदगी के अंदर तलखियां हैं, दिवाली जिंदगी के अंदर तलखियां हैं, निभाने का संभालने का या संभलने का एक तौर तरीके ढंग के साथ चल रहे हैं जिसमें जितनी तरबियत है उसके लिहाज से। लेकिन कोई एक खानदान भी ऐसा नहीं बता सकती उसके अंदर तलखी ना आई हो या ना रही हो या नहीं है। अलगरस वो बताना नहीं, अब इसको आगे बढ़ाने के लिए तलखी अज़वाज मुतहररात में भी थी, यहाँ तक बात हुई एक महीने तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से घर से बायकॉट फरमा कर घर के बाहर डेरा डालकर बैठ गए थे, किसी भी से बातचीत नहीं करे, किसी के पास गए भी नहीं। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन से भी वजाहत नहीं फरमाई, और जितने बीवियां थीं उनके अफराद खानदान से भी जब ये वजाहत तलबी के लिए आए मुलाकात के लिए इजाजत नहीं दिया। कुरान ने उसकी तफसीर पेश की है, बात इतनी आगे बढ़ी सूरह आज़ाब में बताया अल्लाह ताला ने, उस पहलू को भी खुफिया नहीं रखा गया। अरे फाइनल बात कर लीजिए, सबसे एक बात कह दीजिए, इस तरीके के साथ मेरे साथ बहिस्ते बीवी शरीक हयात बन के रहना है तो रह सकते हैं, वरना बिला किसी हुज्जत के तकमील के खुशगवार मामले में तुमको मैं छोड़ दूंगा, तलाक दे दूंगा। लेन देन के सारे चीज़ों की तकमील करके खुशगवार अंदाज में छोड़ दूंगा, एक बीवी के बारे में नहीं था, सारी बीवियों के साथ एक साथ बात सूर्य आज़ाब में तफसील हो। आपने सबको जमा करके एक साथ नहीं कहा, एक एक को बुलाए, तना एक एक को सामने बुलाए, अल्लाह ताला का जो हुक्म था बता दिए, ये बताकर ये सुना दो, अल्लाह ने भी बताया ये सुना दो, जो रहते हैं रहने दो, अगर ना रहने का करते हैं आप परवाह मत कीजिए, पूरे बीवियों को अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए, तलाक दे दीजिए, फिर हम नेक साले मुत्ती और फरमाबरदार जैसी सूरह तहरीम के अंदर वजाहत है कई सिफतों के साथ, फिर ऐसी औरतों के इंतखाब के साथ आपकी जिंदगी में दाखिल फरमाएंगे। एक को अलग अलग बुलाकर जब आपने कहा तो
थी वो नेक सालिहाती छु जिंदगी के रोजे मर्रा के मामला खाने पीने के जैसे मामला घर चलने वाले निज़ाम से मुतालक एक चीज़ तय करके सबों ने एक हड़ताल की जैसी चीज़ की थी डिमांड वगैरह वगैरह जो उसके तफसीलात बताने का यहाँ मौका नहीं है। उससे हट कर भी कुछ तरफ़ें हुआ करती थी आपस में, इसलिए सौतन को कहते खुदा रबी में ज़रर से ज़रार आपस में एक दूसरे को नीचा करना गिराना हजो करना नुकसान पहुंचाना वगैरह वगैरह ये काम हुआ करता है। जब एक से ज़ायद बीवियाँ हैं तो वो दो बीवियाँ या तीन बीवियाँ जो रहेंगी वो आपस में एक दूसरे को गिराकर अपने आप को ऊंचा करवाना बुलंद करवाना फना फना करना वगैरह। इसके अरबी के अंदर उसको कहते हैं ज़रा ज़रर से ज़रार ख़तल से खिताल आपस में लड़ना इख्तलाफ से खिलाफ आपस में इख्तलाफ करना। इस वजन पर जितने अल्फाज आएंगे मानो वैसे बनेंगे निज़ा झगड़ा आपस में एक दूसरे को खींचना तानी करना जिहाद जोहद से जिसमें हरीफ का होना ज़रूरी है। इस जैसे मामलात में तो अलगरब तो आपने फरमा दिया पैगंबर शुएब अलैहिस्सलाम में वला तनकुसुल मिकयाल वल मीज़ाना जो खराबी आई थी वो सारी तफसीलात में बात करते हुए चल रहा था। ये तबका ताजी वाला तबका ये खानदान झगड़ों में ये झगड़े आतिश ने फतवे के लिए बीवी ये झगड़े लेकर आ रही है कि मेरा शौहर बेनमाजी है मेरे शौहर की तर्ज जिंदगी अजबाब माश वाली चीज़ों में हलाल वाला पहलू नज़र नहीं आ रहा है या शौहर ये शिकायत लेके नहीं आ रहा मेरी बीवी सौम सलाद की पाबंद नहीं है फला चीज़ की कमी कर रही ये मसाइल तो लेके आ ही नहीं रहे फतवे आ रहे तो दूसरे आपसी शख्सी तनाजात के दीन एतबार से फिर निगाह में बंदे गए दीन के एतबार से हम खुद में निकाह में पढ़ते हैं कि शादी चार वजूहत से करते हैं आदमी फना फना से उसमें तीन वजूहत जो हैं उसी से जुड़ा हुआ है इंसान जो आखिरी वजह है फ़ख़्र दीन फ़ज़फ़ुर बिद्दीन ये अल्फाज दीनी नुक्ते नज़र को मलहूज रखते हुए तरजीह देते फिर फिरस देते हुए तो उस लड़की को अपनी जौजा बना वो नहीं बना रहा जीवन में पूछता अच्छे है ना नेक है ना पूरे अखबार की सुनना लड़के को लड़के की ज़रूरत है सौम सलात की पाबंद होना लड़की वाले भी लिखते हैं उसके हाँ के कि ये सौम सलात की पाबंद है घरेलू काम काज से वाकिफ है घर में आने के बाद एक वीरान जंगल है पौधा फिर भी निभाते चलते रस्मी तौर पर हिलाने के सौम सलात से पाबंद है फुला 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 जब है तो फिर उसमें खराबी ऊंच नीच के मुतालिक झगड़ा क्यों नहीं आता। तो अमली तौर से पूरे घरेलू अपनी जिंदगी के अंदर बेबरकती बीसों चीजें तोड़ फोड़ गड़बड़ निज़ाम ये दरअसल बेदीनी होने के एतबार से है दीनदारी की कमी होने की वजह से है। एक बेनमाजी की नहुसत 70 घरों तक पहुंचने की भी रिवायत है हदीस शरीफ में इतना मनहूस हो जाता है आदमी तो नहुसत के पुतले घर में बना कर रख लेकर यानी अपने वजूद कुछ अमली एतबार से नहुसत का पुतला है फिर बरकत होना दुआ कीजिए बरकत होना दुआ कीजिए करेंगे दुआ। देखिए किसी को गाली मत दो अगर कोई शख्स गाली दिया या बददुआ करो ये गाली जिसको जमीन जाती है बददुआ जिसको जमीन और तक जाती है वो जाकर ये बददुआ ये गाली देखती है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जो आप फरमाते हैं अल्लाह फरमाता है क्या ये गाली का वाकई मुस्ताहिक है क्या ये बददुआ का वाकई मुस्ताहिक है ऐसा इसने किया था
अगर नहीं है तो उसी को पलट के आती है, उसी को पलट के आती है। तो इसी तरह आप नेक दुआ भी करेंगे उसके हक में तो दुआ तो जाएंगे और उसका महल नहीं है वहां बैठने का, दाखिल होने का, तो लगेंगी कैसे? तो उसके लिए महल भी तो होना, आपकी दुआ बेकार नहींगी, इबादत का हिस्सा बनेंगी। और हमको जाहिर एतबार से अच्छी तवक्को रखना है, उसने हसन रखना है, दुआ करते रहना है, दुआ की दरख्वास्त करते रहना है। लेकिन सब कुछ होने पर लग क्यों नहीं रही है? शादी में सैकड़ों हजारों हैं, सबके साथ हाथ पूछे करे करे खे, बड़ा अच्छा पकवान है, बस इतना तारीफ करके गए और दुआ नहीं दिए, गुलाम गुलाम गुलाम। फिर महीने दो महीने छह महीने बाद फिर झगड़े खड़े रहे, फिर मैं हजारों लाखों का जो खर्चा करा किधर गए? क्या ये सब के सब आप हाथ उठाए दुआ करना नहीं? ये हाजिरी दुआ है, ये हाजिरी दुआ है, याद रखिए। शादी में शिरकत दुआ करना है, फिर करना है, नहीं तो हाजिरी ये दुआ है। नेक तमन्ना के साथ जो दिली कैफियत लेकर आए ये दुआ है। फिर इतनी दुआ गई कहाँ से? फिर ये घर के अंदर तोड़ फोड़ का मसला, जुदाई का मसला, ऊंच नीच के मसाइल आए कहाँ से? तो महल की कमी है, दुआ के लगने की महल की कमी। वो क्या है? माल को तरजीह दिया, हुस्न को तरजीह दिया, खानदानी शोहरत को तरजीह दिया, हकीकत में उसी को दिया, जबान से बोलता नहीं, इशारों से सब चल रहा, वो दिल को फाड़ के देखो वही चल रहा था। कुरान के इसके आयतों पर भी तो अमल करो ना, वायनक्यूल अयामा मिनकुम वस्साली भी ना, यतीम औरतें, बेसहारा औरतें, क्या बेसहारगी के ऊपर निकाह में दाखिल कर रहा? आयब समझ लो, यक्का दुक्का वह गरीब को बुला लिया भी तो आगे खाए जाइए खामोश, इससे हटकर ज्यादा नहीं जहन में वगैरह वगैरह। तो इरशाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि फजफुर बिद्दीन, दीनी एतबार से तो तरजीह दे, प्रिफरेंस दे, आखिरी सूरत में प्रिफरेंस दे रहे, सोम सारत के पापन है ना, ये आखिरी शक्ल है, उस बुनियाद पे पैनल नहीं कर रहे। पैनल करने की बुनियाद फुना है, फुना करने की बुनियाद फुना है। मुझे दो चार रोज से एक फैमिली हैदराबाद की जोर दे रही है कि शादी में नहीं, रस्म होने वाला है विजयवाड़ा में, हम गाड़ी के साथ चलने, आप आना चलना। बड़े सिना तना के कह रहे हैं, लड़की वाले पौ किलो सोना दे रहे हैं, ग्राम ऐसे ग्रामों में पौ किलो सोना दे रहे हैं, 10 लाख रुपए नकद कैश दे रहे हैं, और फुना 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 चीजों की बड़ी तवील तफसील। जब शादी होने वाला डॉक्टर है, उन्हें MBBS करा है, तो इन्हों भी कम नहीं, तुम कुछ भी कर लो, रिश्ते में बने जाने के लिए होना है, फिर भी उसके बावजूद तुम हमारे को देना है, ये कहाँ से फिक्र आई? तो उसके बाद शराय हमारे खानदान जो फैला हुआ है विजयवाड़ा से शहर हैदराबाद फुला फुला, ये रस्म में सब आएंगे, पूरे अखराज आप बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि दूर दराज से आएंगे, एक दावत पे इक्तफा नहीं करेंगे, और करेंगे आप अपना अपना करेंगे। शादी तो हो रही, मुसलमान लड़का है मुसलमान लड़की, देखो मुसलमान का निकाह मुसलमान से होता है, कि हम काफिर से कर रहे हैं, हिंदू से कर रहे हैं, और प्रीफरेंस किसको जा रहा है? खैर अल्लाह मुबारक करे, बदवा देना नहीं है, नमूने के लिए ताज़ा तौर पर पेश किया, जो जहन कैसे आगे बढ़ रहा है। तो
इनमें भी जो खराबियां हो गई थी इनके पास भी कमी नहीं, खानदान है बहुत कुछ, बहुत कुछ। जब बागात भी है इतफाक से उन्हें सेंटर बनाने का ऐलान कर दिया, उस हदूद में की जमीन आ गई, चंद लाख रुपए के अंदर उसको हवाले करना चाह रहे थे, अब तो नाचते हुए करोड़ों 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 की बात होगी, बोलो वो भी खुशियाँ भी बना, खुशियाँ भी बना। खैर नवाजे उससे लेना देना नहीं है, तो पैगंबर शुएब अलैहिस्सलाम ने वला तनखुसुल मिक्यार और मीज़ान, वजन से मीज़ान वजन करने का आला तराजू, तराजू ऐसा हो या बताने वाला कोई भी नमूना, कैल के माने वजन की जिद है, नाप कर देना, शेर वगैरह से किसी चीज से नाप कर देना, तोल कर देना। फन तिजारत में बहुत आगे उस कौम की अक्सरियत ताजिर कौम थी, खुशहाल दुनियावी एतबार से थे, कमी नहीं थी, जब कमी नहीं तो अंदाज़ा कर लें खुशहाल रहता कैसा है, तो खुशहाली का इज़हार अच्छी गाड़ी के ज़रिए से बताता है, अच्छे बंगले के ज़रिए से बताता है, और अपनी नज़र भी उस मियार के लोगों के ऊपर उस अंदाज से एक नज़र जमाता है, दूसरे मियार के ऊपर उसकी नज़र अलग रहती है, ये नज़र जो इंसान पर पड़ती है उसमें भी फर्क है, उसका भी वजन अलग है, उसका भी एक तराजू अलग है, समझने की एहसास वाली कैफियत कुदरत ने दे रखा है, जो अल्फाज के जरिए से नहीं होती, जो अदाए भी बताते हैं। तो आपने ताकीद की आपकी हैसियत नबी के हैं, नबी का काम एक वायस नसीहत मुशफिक मेहरबान बाप के जैसी नसीहत करते चलना, नाफरमानी करने पर भी मुझे क्या पड़ी बल्कि नहीं रहना, पीछा करते रहना, पीछा करते रहना। इस लाइन के इस पर अम्बिया किराम अलैहिस्सलाम की बड़ी तादाद रही है, उसी सिलसिले की कड़ी में ये पैगंबर भी थे। तो नाप तोल में क्यों घटाते हो, क्या भी ये करते हो? इस चौरस्य से आते हुए एक बड्डी ठहरी हुई थी, इस साल की बात नहीं पिछले साल की बात है, आम के लिए रुका मैं, तो देखा बात ही लेने के लिए तोलने लगा, वो जो तराजू रखा है इतने हिस्से से हाथ डाल के कुछ हटाया तोला, बोले ये क्या किया, आपको अकीदत में सही तोल दे रहा हूँ, आप जो तुलाते हैं बराबर देखो चुपता है ना, बराबर हूँ बाजू को अला बुजा बहुत बड़ा था, वहाँ जाके किसी से तुला लीजिए, उन्हें भी वही छः सब कुल्लम कुल्लम वकटी अलकुफार लाए थे बार, बस इसी गली की बात करूँ, ये कमाओ पेशा इसी से ये तो, अब आप किलो के दो किलो के पेमेंट लेके जाना पड़ेगा, आप ले जाइए उसमें फर्क नहीं है, उसके आले के अंदर हिलने में करने में फर्क है, उसकी महारत हासिल कर रखे। अभी और बड़ी मोहब्बत का इजहार किया अभी तो, जब यूँ किया तो खट आवाज भी आई उसका, फिर मैं झुक के फिर बराबर रहता है, फिर वो करता है तो बराबर रहता करता है, यही आदत थी उनकी, ये उन्हें कर रहा, वही वही कैफियत हर किस्म के ताजिर के अंदर कम हो गए इल्ला माशाल्लाह, जिसको अल्लाह ने तौफीक दी इल्ला माशाल्लाह, इतने सारे ताजिर तिजारत है, जब कहो कारोबार मंदा चल रहा है, मंदा है तो भीख मांगने निकलो ना, गलत बयान, गलत बयान, खुद के जुमलों से मैं कितना पक्का माहिर झूठा हूँ खुद जाहिर भी होता, बीच में जगह पर इतने में तो हमको नहीं पड़ी बोलता, आप बोलने पर नहीं पड़ी का इकरार किया,
भैंस के हाथ फिर आइए ले जाइए आप, खुला खुला शरीर झूठा है। गुनाह में सबसे बड़ा गुनाह देखो वो गुनाह जो बंदे के अपने रब से ताल्लुक के अंदर नहीं, पूरी तरह माफी की उम्मीद है, और ये गुनाह अल्लाह की मखलूक के साथ जो जुड़ते हैं ये नाकाबिले माफी होते हैं। तो आपने फरमाया कि देखो तुम मिक्याल और मीज़ान को कम मत करो, ये करते थे दो किस्म के नाप रखे थे नापने के, ताजिर के पास से कहाँ से आता, आपसे लेता बेचता, बागात वाले से फ्रूट लेता है, ज़िरात बाड़ी से अनाज फल्ला लेता है वगैरह वगैरह, उसके घर में कमीशन है बनाने का। आप लोगों में से एक खास कौम से लेता है, जब लेना है तो उसके लिए अलग अलग, फिर दूसरों को देना है तो उसके लिए अलग। ऐसा फल वाले का जवाका सुना, जब उन्हें लाता है तो लाने का उसको लेके आने का अलग अलग, फिर आप उसमें से तकसीम करने का आला अलग। ये क्यों करते हो? फिर ये भी इन्नी अराकुम बिखैर, ये खास बात है, मैं तुम तमाम को देख रहा हूँ, अच्छी तरह समझ में आ रहा है, तुम लोग सब अच्छी हालत में पोजीशन में हो, फख्र फाखे में मुब्तला नहीं, चलो इतना करके जल्दी से ज़्यादा ये कर लूँगा, बोल के अच्छे खासे खाते पीते माल दौलत वाले, घर जागीर जायदाद वाले, चहल पहल वाले हैं, फख्र फाखा भी नहीं, इस तरीके से असल से ज़्यादा जो पैसा लेना चाह रहे हैं। देखो इससे नहीं बचोगे तो इन्नी अखाफ वालेकुम अज़ाब यौम मुहीत, ऐसा अज़ाब आएगा सारी कौम को, हमारी उर्दू में बोलते हैं सारी कौम को ले डूबेगा, तुम्हारे गलतियों के बुराइयों के तो पहल में, वो मासूम मजलूम जो शरीफ में सबके सब पीछे जाएंगे। इस जमाने के अंदर बिल्कुल करंट हालात की वजाहत है, इसके अंदर कम उम्र सबके ऊपर मुसीबत आएगी, वजह तुम बनोगे, कुरान वजह पहले सर बहुत कुछ बताया कुरान। इन रदना नूलिका खरियतन अमरना मुतरफिया फफा सकूफिया बाहक का अलीमुल कौल, इन्हीं के तुफैल में सारी कौम को अजाब में मुब्तला करते हैं, पैसे वालों के तुफैल में सब कुछ होता है, गिरानी भी पैसे वालों की गलत हरकतों से फलां फलां से फलां कई पीछों तरीके, लेकिन हम इसके तरीके वो सारी चीज़ें वगैरह से वाकफ हुए। तो आपने फरमाया कि मुझे पूरी तरह खौफ है, देखो अल्लाह ने मना किया, नज़ीरें डराने के लिए भेजे थे, ऐसा अजाब आएगा उस दिन जब आएगा तो सबको ले डूबेगा, तो आज जो भी नमूना और उनके लिए तवील तफसीलात गुजरें काफ़ी तवील तफसीलात के साथ, ये उमूमी खराबियाँ जो माशरे के अंदर होती हैं ये दरअसल माशरे को बिगाड़ते कैसा है, ये बिगाड़ होते होते सारे माशरे की बर्बादी का जरिया बन जाते हैं, वो नसीहतें इस वाक़े के ज़मन में आएंगी।